In this video, we are talking about isoprenoid metabolism, monoterpenes, siscotropenes, phytosterols, and diterpenes. Let's start with the isoprenoid. What is isoprenoid? Isoprenoids are a family of natural products whose structures are composed of 5 carbon isoprene units. The unit consists of a 4 carbon chain with a 1 carbon branch at carbon 2. अब isoprenoid हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि एक natural product है जिसके अगर structure की बात करें तो isoprenoid जो है ये 5 carbon unit होता है, ठीक है? isoprenoid एक 5 carbon unit होता है जिसको हम isoprene unit बोलते हैं. ये C और 5, इस तरह हम इसको represent करते हैं. अब ये इसका head है और ये इसकी tail है. Regular head to tail attachment, the head is usually directed to the free end of a molecule, the tail to the inner part. अब ये क्या होता है कि एक जो molecule है, एक जो unit है उसकी head और दूसरे unit की tail जो है उनकी attachment होती है और इस तरह ये एक structure बन जाती है, इस तरह एक chain बनती जाती है. ये एक regular attachment है, ठीक है, tail to head. अब एक ये हमने बात कर ली regular attachment अटैचमेंट की, के हेड जो है वो अटैच होता है उसकी टेल के साथ. अब दूसरी बात हम करते हैं इररेगुलर अटैचमेंट की. इररेगुलर अटैचमेंट में क्या होता है कि टेल टू टेल जो है वो अटैचमेंट हुई होती है या फिर हेड टू हेड लिंक की जो होता है, लेकिन ये बहुत लेस फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है. यहाँ पर सिर्फ टेल टू टेल हो सकती है अटैचमेंट या फिर जो है हेड टू हेड लिंकेज हो सकती है. आइसोप्रीन का ये एक स्ट्रक्चर है 2-methyl-1,3-diene. ये एक हम कह रहे हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर है और ये आइसोप्रीन यूनिट ऑफ पॉलीमर्स. इस इनके दरमियान में एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ये है आइसोप्रीन यूनिट ऑफ पॉलीमर्स. ये इसका फार्मूला है, आप इसमें से कुछ कोई भी याद कर सकते हैं. टर्पीन्स हम कहते हैं कि टर्पीन्स आर आइसोप्रीनॉइड मेनली ऑफ प्लांट ओरिजिन डैट कैन बी आइसोलेटेड फ्राम एसेंशियल ऑयल्स ऑफ प्लांट्स. आइसोप्रीनॉइड आर आल्सो नोन एज दी टर्पीनॉइड्स, ठीक है. तो टर्पीनॉइड्स जो होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई होती हैं, वो हम कहते हैं आइसोप्रीनॉइड से ही हैं. तो ये बेसिकली एक ही फॉर्म होती है दोनों, आइसोप्रीनॉइड और टर्पीन्स. तो टर्पीन्स आर आइसोप्रीनॉइड, ठीक है. मेनली ऑफ प्लांट ओरिजिन डैट कैन बी आइसोलेटेड फ्राम एसेंशियल ऑयल्स ऑफ प्लांट्स. जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें उनके ऑयल्स की, तो वहाँ से ये आइसोलेट हुई होती हैं. प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हम वहाँ से ऑयल निकालते हैं. तो ये कहाँ से बेसिकली ओरिजिनेट हुई हैं, उन प्लांट्स से ओरिजिनेट हुई होती हैं. सम टर्पीन्स में आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल्स. तो कुछ टर्पीन्स की अगर बात करें तो एनिमल्स में भी अपना रोल प्ले करती हैं. न्यूमरस टर्पीन्स कंटेन वेरियस फंक्शनल ग्रुप, मोस्टली दे आर अल्कोहलिक, फिनोलिक, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनाइल. मे बी दे आर डिसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एसाइक्लिक और साइक्लिक. According to the number of isoprene units comprising the molecule, terpenes are classified as. अब according to the isoprene units number, अब हम अगर उसके isoprene unit के number के according देखें तो इसको terpene को further classify किया है. एक monoterpene जिसमें हम कह रहे हैं दो isoprene units होते हैं, C10 कहते हैं. उसके बाद siscoterpenes है, diterpenes है, triterpenes है, tetraterpenes और polyterpenes which comprises more isoprene units. तो ये हम जो है detail में discuss करेंगे बाद में. All isoprenoids are synthesized from acetyl coenzyme by way of an important intermediate isopentyl diphosphate. अब हम बात कर रहे हैं उसकी सिंथेसिस की. किसकी सिंथेसिस की? आइसोप्रीनॉइड या फिर टर्पीनॉइड की सिंथेसिस की बात करते हैं. तो आइसोप्रीनॉइड, टर्पीनॉइड या स्टीरोल जो हैं ये कहाँ से सिंथेसिस हुई होती है? इनकी सिंथेसिस होती है एक एसीटेट मेलवनेट पाथवे से, जिसको हम एसीटेट पाथवे भी बोलते हैं. अब यहाँ पर ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम, हम कह रहे हैं कि यहाँ से इसकी सिंथेसिस होती है. अब एसीटाइल कोएंजाइम जो है, क्योंकि ये हम एसीटेट पाथवे भी बोलते हैं, तो एसीटेट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है. लेकिन एसीटेट जो है वो एक्टिव फॉर्म में ही है, उसकी एक्टिव फॉर्म एसीटाइल कोएंजाइम है. इसलिए इसका जो स्टार्च जो हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल कौन सा है, वो है एसीटाइल कोएंजाइम. अब यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट जो है वो है आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट और एक और उसका आइसोमर होता है जिसको हम कहते हैं डाईमिथाइल अलाइल डाइफॉस्फेट. और ये दोनों उनका दोनों जो हैं ये स्ट्रक्चर्स हैं. ये है आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर और ये है डाईमिथाइल अलाइल डाइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर. डाईमिथाइल डाइफॉस्फेट एंड आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट आर बेसल यूनिट्स फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है. ये पॉलीमराइजेशन के बेसल यूनिट्स हैं. दे जॉइन टुगेदर टू गिव अ मोनोटर्पीन.
जिरनाइल डेफोस्फेट। अब ये जो दोनों क्या करती हैं, ये दोनों मिलती हैं और एक मोनोटर्पीन बना देती हैं जिसको हम कहते हैं जिरनाइल डाइफॉस्फेट। इन दोनों के मिलने से ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, पॉलीमराइजेशन होती है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनता है हम कहते हैं सिस्कोट्रिपिन, जिसका नाम है फेनिल डाइफॉस्फेट, ओरिजिनेट्स बाय जॉइनिंग द थर्ड बेसल यूनिट। अब एक और आइसोप्रीन का यूनिट इनके साथ आकर मिल जाता है और ये बन जाता है सिस्कोट्रिपिन फेनिल डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अब हमारी सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। लास्ट स्लाइड जो हमने पढ़ी वहाँ से हम इसकी सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। टर्पिनाइड्स आर यूज्ड एज प्रीकर्सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीरोल्स एंड स्टीरॉयड्स इन एनिमल्स। टर्पिनाइड जो है प्रोडक्शन है, बेसिकली हम कहते हैं स्टीरोल्स और स्टीरॉयड की प्रोडक्शन यहाँ से होती है। एनिमल्स में भी अगर देखें तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं टर्पिनाइड मॉइटीज अटैच टू देम इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर अटैचमेंट टू मेम्ब्रेन्स। कुछ जो प्रोटीन्स हैं हम कहते हैं सम प्रोटीन्स हैव टर्पिनाइड एंड दे आर अटैच टू देयर मेम्ब्रेन। तो ये उसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई होती हैं और उसको बूस्ट करती हैं। दे आर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। तो इनके दो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स में, हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट हुए होते हैं, आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट एंड इट्स आइसोमर डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। और इन दोनों के हमने स्ट्रक्चर अभी लास्ट स्लाइड में देखे हैं कि इनके स्ट्रक्चर क्या है और इन दोनों के मिलने से क्या बना और फिर फर्दर थ्री एक बेसल यूनिट उनके साथ अटैच हुआ तो उसने क्या बनाया। अब हम देख लेते हैं मेलवोनेट पाथवे और नॉन मेलवोनेट पाथवे, जिसको हम DOXP या फिर MEP पाथवे भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइसोप्रिनोइड टर्पिनोइड्स पाथवे की हम बात करें, तो यहाँ पर हम बात करें मेवोलिनेट पाथवे की। मेवोलिनेट पाथवे जो है और नॉन मेवोलिनेट पाथवे। अब सबसे पहले मेवोलिनेट पाथवे क्या होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम को यूटिलाइज करता है एज अ सबस्ट्रेट और क्या प्रोड्यूस कर देता है, HMGCOA, एक अपने ही आइसोमर प्रोड्यूस करता है जिसको हम कह रहे हैं HMGCOA एंड COA जो है कोएंजाइम कहते हैं, एंड मेवोलिनेट एज इंटरमीडिएट इन दी पाथवे। और यहाँ पे जो मेवोलिनेट है वो एज इंटरमीडिएट काम कर रहा है और ये पाथवे एनिमल्स में भी हो सकता है, प्लांट्स और यीस्ट में भी हो सकता है। जबकि नॉन मेवोलिनेट पाथवे जो है जिसको हम MEPDOXP भी कहते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को और पायरोवेट को एज अ सब्सट्रेट। जबकि जो हमने मेवोलिनेट पाथवे की बात की थी उसने एसिटाइल कोएंजाइम को एज अ सब्सट्रेट इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो है ये ग्लिसरल्डिहाइड को और पायरोवेट को एज अ सब्सट्रेट इस्तेमाल करेगा। इन एडिशन टू प्रोसेसिंग मेवोलिनेट पाथवे, प्लांट आल्सो पोसेसेस क्लोरोप्लास्ट बेस्ड नॉन मेवोलिनेट पाथवे। और यहाँ पे जो है हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। अब ये हम देख लेते हैं मेवोलिनेट पाथवे को डिटेल में कि मेवोलिनेट पाथवे जो है इसको हम कहते हैं कि ये आइसोप्रिनोइड पाथवे भी कहलाता है या HMG कोएंजाइम रिडक्टेज पाथवे भी इसको कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, या फिर हम इसको मेटाबॉलिक पाथवे हम कह रहे हैं कि ये एक असेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि यूकेरियोट्स में मौजूद होता है, आर्किया में मौजूद होती है या फिर कुछ बैक्टीरिया की अगर बात करें में भी मौजूद होती है। द पाथवे प्रोड्यूस 2,5-कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। तो हमने ये पहले भी बात कर चुके हैं लास्ट टू स्लाइड में कि ये अपने ही एक आइसोमर प्रोड्यूस करती हैं 5-कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक जिसको हम आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट IPP बोलते हैं। ये फर्दर जो मेवोलिनेट पाथवे है ये फर्दर सिंथेसिस करती है 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स की, ठीक है, जिसमें एक तो IPP है, सेकेंड DMAPP है, विच आर यूज टू मेक आइसोप्रिनोइड जिसको हम आइसोप्रिनोइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तकरीबन 30,000 बायोमालिक्यूल्स जैसे कि कोलेस्ट्रोल, हीम, वाइटामिन के, कोएंजाइम Q10 जो हैं ये सारे इसमें स्टीरॉयड हारमोन्स वगैरह भी जो हैं हम इनको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इनकी वजह से मेवोलिनेट पाथवे की वजह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने में यूज़ होते हैं। या अगेन ये दोबारा से ये स्ट्रक्चर इन दोनों के दिखाए हुए हैं DMAPP और IPP के। द मेवोलिनेट पाथवे बिगिंस विद एसिटाइल कोएंजाइम एंड एंड्स विद द प्रोडक्शन ऑफ IPP एंड DMAP। तो ये स्टार्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम से और एंड हुआ था IPP DMAP पे। इट इज़ बेस्ट नोन एज द टारगेट ऑफ स्टेटिन, इट इज़ द क्लास ऑफ कोलेस्ट्रोल लोअरिंग ड्रग्स, ठीक है, ये कोलेस्ट्रोल की क्लास है ड्रग की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी ये हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेटिन्स इनहिबिट HMG कोएंजाइम रिडक्टेज विद इन द मेवोलिनेट पाथवे। तो ये जो स्टेटिन्स होती है ना ये इनहिबिट करती है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को, ठीक है, मेवोलिनेट पाथवे में इसको ये इनहिबिट करने का काम करती है, उसको स्टॉप करने का ये काम करती है। अब ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जो हम कहते हैं कि एसिटेट मेवोलिनेट पाथवे में उनकी सिंथेसिस होती है।
अब हमारे पास ये मैलोनिक एसिड, हमने बात की थी कि IMPP जो IPP बनता है हमारे पास, उसके बाद आगे फर्दर कुछ और हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उससे पहले हम लोग लास्ट स्लाइड में जो है वो देखते हैं एक दफ़ा दोबारा। ये देखें, ये हमने जो है बात कर ली थी ना कि इन दोनों के मिलने से, यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, ये हमने बात की थी ना आइसोपेंटाइल डाईफॉस्फेट और डाईमिथाइल डाईफॉस्फेट की, कि यहाँ से हमने जब बात की थी कि ये मिलते हैं और ये फिर हमारे पास जरनाइल डाईफॉस्फेट बनता है, फिर इसके साथ एक और यूनिट आके मिलता है और फर्नेसाइल डाईफॉस्फेट बन जाता है। इसी तरह अब हम इसको इस तरह पढ़ लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास मैलोनिक एसिड है। अब यहाँ पर हमारे पास ये है डाईमिथाइलाइल पाइरोफॉस्फेट, ये ठीक है। इसने आगे क्या बना दिया, इसने आगे जरनाइल पाइरोफॉस्फेट बना दिया। अब ये तो हेमीटर्पिनाइड्स है C5। अब आगे मोनोटर्पिनाइड्स बन जाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कार्बन 10, यानी कि दो आइसोप्रिनाइड यूनिट मिलते हैं और ये हमारे पास एक मालिक्यूल बन जाता है जरनाइल पाइरोफॉस्फेट। उसके बाद आगे एक और हमारे पास बनता है जिसका नाम है फर्नीसाइल पाइरोफॉस्फेट, और ये सिस्कोटर्पिनाइड्स होते हैं, यानी कि तीन आइसोप्रिनाइड यूनिट मिलते हैं, क्योंकि एक आइसोप्रिन में पाँच होती हैं कार्बन, और तीन की जब बात करेंगे तो पाँच 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 तो 15 हो जाएंगे, तो इसलिए कार्बन 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर फर्दर आगे इसको ही इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए हम सक्वलिन बनाते हैं, स्टीरॉइड्स की भी हम प्रोडक्शन करते हैं और ट्राइटर्पिनाइड्स की भी प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ से ये देखिए, ये इन्वॉल्व होगी। उसके अलावा इसको आगे जरनाइल जरनाइल पायरोफॉस्फेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी से आगे फर्दर दो और चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं पोली आइसोप्रिन्स, और उसके अलावा हमारे पास है डाइटर्पिनाइड्स और कैरोटीनाइड्स, ठीक है। अब हम नॉन मेवलिनेट पाथवे की अगर बात करें, इन कंट्रास्ट टू द क्लासिकल मेवलिनेट पाथवे ऑफ आइसोप्रिनाइड बायोसिंथेसिस। अब हम कहते हैं, जिस तरह हमने मेवलिनेट पाथवे की बात की, यहाँ पे हम कहते हैं कि प्लांट्स एंड प्रोटोजोआ, जैसे कि हम आइसोप्रिनाइड बायोसिंथेसिस की बात की, प्लांट्स और प्रोटोजोआ जैसे कि मलेरिया पैरासाइट्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर आइसोप्रिनाइड या टर्पिनाइड। तो इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये आइसोप्रिनाइड को प्रोड्यूस करते हैं। और जो है एक और अल्टरनेटिव पाथवे है, जिसको हम नॉन मेवलिनेट पाथवे कहते हैं, जो कि कहाँ पर होता है, पास्टर्ड में होता है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो हैं, उसमें अगर बात करें कि दे इंक्लूड इम्पोर्टेंट पैथोजीन सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सिंथेसिस IPP एंड DMAPP वाया द नॉन मेवलिनेट पाथवे। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये IPP और DMAPP की सिंथेसिस करते हैं किसके जरिए, नॉन मेवलिनेट पाथवे के जरिए। अब ये हमारे पास एक MEP पाथवे है, नॉन मेवलिनेट पाथवे और मेवलिनेट पाथवे, यहाँ पर ये सारी इसकी बताई हुई हैं, और इसमें कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर देखिए IPP आइसोमरेज और DMAPP जो है, इसकी वजह से ये सारे जो है ये प्रोसेस हो रहा है। ये यहाँ पे देखें, इसका स्टार्ट पॉइंट एस्टल को एंजाइम था, लेकिन इसका MEP में हमने बात की थी पायरेवेट और ग्लिसरल्डिहाइड की, ठीक है। तो इसमें एस्टल को एंजाइम है, या आपने डिफरेंस याद रखना है कि इसमें एस्टल को एंजाइम होगा और इसमें पायरेवेट होगा। अब अगर के रोल की बात करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, सर्टेन टर्पिनाइड्स हैव वेल करेक्टराइज फंक्शन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसिडर्ड एज प्राइमरी रदर देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी ये फर्दर रोल प्ले करता है, जो आइसोप्रिनाइड टर्पिनाइड की हम बात कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं जिबरलिन, जैसे कि डाइटरपीन्स फॉर एग्जाम्पल, दे काज टालनेस, स्टीरोल जिसको हम कह रहे हैं ट्राइटरपीन्स, दे आर दी असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के असेंशियल कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा कुछ टर्पीन जो हैं, ये डिफेंड अगेंस्ट हर्बीवोर्स इन मैनी प्लांट्स, कुछ हर्बीवोर्स को भी ये डिफेंड करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि टर्पीन्स आर टॉक्सिन्स एंड फीडिंग डिटरेंट्स टू मैनी प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। कुछ टर्पीन्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को डिफेंड करने का भी काम करते हैं। अब जैसे कि मोनोटर्पीन एस्टर्स कॉल्ड पायरीथ्रॉइड्स डेट अकर इन द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ क्रिसेंथिमम स्पीशीज स्लो वेरी स्ट्रिकिंग इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। अब किसी जिस तरह प्लांट है, इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है, कोई इंसेक्ट्स वगैरह उनके पत्तों पर आ जाते हैं, तो ये जो पायरीथ्राइड्स हैं ये उसके गेंस्ट उसको डिफेंड करती हैं। जबकि कॉनिफर्स जैसे कि पाइन और फिर है, इसमें मोनोटर्पीन्स आर टॉक्सिक टू न्यूमरस इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग बाग बीटल्स। तो मोनोटर्पीन जो हैं, हम कहते हैं कि आर टॉक्सिक टू न्यूमरस इंसेक्ट्स, जैसे इंसेक्ट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं मोनोटर्पीन, जैसे कि हम कहते हैं जिसमें बार्क बीटल्स वगैरह इंक्लूड हैं।
अब जब वॉलेटाइल टर्पीन्स की हम बात करें, असेंशियल ऑयल्स, वॉलेटाइल टर्पीन्स हम कह रहे हैं असेंशियल ऑयल्स की बात कर रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि उसमें मोनोटर्पीन्स और सिस्क्यूटर्पीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये दोनों के मिलने से एक मिक्सचर बनता है जो है, जो कहलाता है असेंशियल ऑयल, जो है असेंशियल ऑयल्स। पीपरमिंट की अगर बात करें, लेमन, बेसिल और सेज आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट दैट कंटेन असेंशियल ऑयल्स। तो ये सारे प्लांट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि ये एग्जांपल है असेंशियल ऑयल की, जैसे कि हम पीपरमिंट ऑयल इज़ अ मेंथोल, लेमन ऑयल इज़ अ लिमोनिन, जैसे कि पीपरमिंट ऑयल हम कह रहे हैं मेंथोल, जैसे ये पुदीना जो है हम इस्तेमाल करते हैं, लीमू इस्तेमाल करते हैं, लेमन ऑयल जो है वो लेमोनिन कहलाता है। एसेंशियल ऑयल्स हैव वेल नोन इंसेक्ट रेपेलेंट प्रॉपर्टीज। उसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स में बहुत वेल नोन प्रॉपर्टी होती हैं कि ये इंसेक्ट रेपेलेंट के तौर पर भी काम करता है। अब हमने बात कर ली थी टाइप्स ऑफ टर्पिनाइड्स की, कि ये हमने ये नाम तो पहले पढ़ लिए हैं, अब इनको हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अब ये टाइप ऑफ टर्पिनाइड्स हैं, हेमी टर्पिनाइड्स, मोनो टर्पिनाइड्स, सिस्क्यू टर्पिनाइड्स, डाई टर्पिनाइड्स, सेस्टो टर्पिनाइड्स, ट्राई टर्पिन्स और टेट्रा टर्पिन्स। और इसको हमने एसीटेट पाथवे में देखा है कि ये किस तरह से ये बनती हैं, ठीक है। ये इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं और ये इनके आइसोप्रीन यूनिट्स हैं कि कितने आइसोप्रीन यूनिट मिलते हैं और तो ये टाइप बनती है। अब सबसे पहले हम देखते जाते हैं हेमी टर्पिन्स। हेमी टर्पिन में क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आइसोप्रीन यूनिट, यानी कि कार्बन 5 इसमें इन्वॉल्व है। आइसोप्रीन इट्सेल्फ इज़ कंसीडर्ड द ओनली हेमी टर्पिन, ठीक है। आइसोप्रीन इट्सेल्फ जो है वो कहलाती है हेमी टर्पिन। मोनोटर्पीन में क्या होता है कि दो आइसोप्रीन यूनिट मिलते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H16 है, जबकि सिस्क्यूटर्पीन में क्या होता है कि 3 आइसोप्रीन यूनिट मिलते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C15H24 है। डाइटर्पीन जो है इसमें क्या होता है कि 4 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H32 है। डाइटर्पीन्स आल्सो फॉर्म द बेसिस फॉर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज रेटिनोल। उसके अलावा डाइटर्पीन जो है ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे के रेटिनोल और रेटिनल के लिए। अब सिस्टर टर्पीन्स जो है, ये टर्पीन्स में 25 कार्बन्स हैं, ये फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो हमने टाइप्स पढ़ी इनके फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, फर्दर जो आगे चीज़ें बनाई होती हैं। टर्पीन्स हैविंग 25 कार्बन्स एंड 5 आइसोप्रीन यूनिट्स। अब इसमें 25 कार्बन्स हैं, 5 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं और एंड दे आर रेयर रिलेटिव टू द अदर साइजेस, ठीक है। बाकी की अगर साइज़ की बात करें तो ये उनसे बहुत रेयर रिलेटिव हैं, उनके बाकी साइज से इतना मिलती नहीं है। जबकि ट्राई टर्पीन्स में क्या होता है कि 6 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला C30H48 है। टेट्रा टर्पीन्स में 8 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C40H64 है। जबकि पॉली टर्पीन्स में क्या होता है कि लॉन्ग चेन्स होती हैं आइसोप्रीन यूनिट्स की, बहुत ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, अनकाउंटेबल, इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग चेन। पॉली का मतलब ही मैनी होता है। नेचुरल रबर कंसिस्ट ऑफ पॉली आइसोप्रीन इन विच द डबल बॉन्ड्स आर सिस। जो नेचुरल रबर होती है ना, उसमें पॉली आइसोप्रीन होती है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड जो होती है वो सिस होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पॉली आइसोप्रीन होती है उनमें, और उनमें ट्रांस डबल बॉन्ड्स होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें सिस होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें ट्रांस डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब इन क्लास की अगर बात करें, ईच क्लास कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इन टू सब क्लासेज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि हर क्लास के फर्दर सब डिवीजन होती है, ठीक है, सब डिवाइड हुई होती है, फिर फर्दर आगे उनकी हम कहते हैं कि सब क्लासेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिंग्स। अब ये उनके नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिंग्स की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स पूछा जाए, साथ नंबर्स की बात की जाए, तो फिर आप ये लिखेंगे। अब एसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स में दे कंटेन ओपन स्ट्रक्चर। मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स में क्या होता है कि वन रिंग होता है इनके स्ट्रक्चर में। बायसाइक्लिक में 2 रिंग्स होते हैं। ट्राईसाइक्लिक में 3 रिंग्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में। जबकि टेट्रासाइकिल में क्या होता है कि 4 रिंग्स उनके स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है मोनो, सेस्क्यू और डाई टर्पिनॉइड्स की। सबसे पहले मोनोटर्पिनॉइड्स। अच्छा, जो मोनोटर्पिनॉइड्स और सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स है ना, ये एसाइक्लिक फॉर्म में भी होती हैं, मोनोसाइक्लिक फॉर्म में भी होती हैं और बायसाइक्लिक फॉर्म में भी होती हैं। अभी हमारे पास कुछ एसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स की एग्जांपल है, जिसमें माइरसिन, सिट्रिल और हमारे पास जुरनॉइल आती हैं। जबकि हमारे पास मोनोसाइक्लिक फॉर्म में लिमोनिन है, टर्पिनॉइल है और मेंथोल, पुदीना जो होता है उसमें भी मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड होती है मौजूद। लिमोनिन जो लेमन होता है, लेमन वगैरह। जबकि बायसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स में क्या होता है कि दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस कंटेनिंग 6 3 मेम्ब्रेन रिंग्स, या 6 4 हो सकते हैं, 6 5 मेम्ब्रेन रिंग्स हो सकते हैं।
यहाँ पर अब एग्जाम्पल दी, 6-3 मेम्ब्रेन रिंग्स में, जैसे कि थुजेन है, कैरेन है, 6-4 मेम्ब्रेन रिंग में पाइनेन आती है, ये फर्दर, ये आगे इनकी ये जो है साइकिल के अंदर, फर्दर इनकी ये आगे साइकिल अंदर, ठीक है, रिंग्स हैं इनके अंदर। उसके अलावा जो हमारे पास 6-5 मेम्ब्रेन रिंग में कम्फेन आता है, कम्फेन के में जो है नॉन बॉर्नेन और बॉर्नेन, कम्फेन जो होती है ना एक सॉलिड फॉर्म होती है, ये बहुत ना खुशबू वाली होती है चीज़, जिस तरह जो कीड़े भगाने के लिए इस्तेमाल होती है ना, उसको हम कहते हैं कम्फोर, तो बिल्कुल वैसे ही हम कहते हैं। तो एक वो जो यहाँ पे कैम्फेन है ना, कैम्फेन के अलावा एक वर्ड है कम्फोर, कम्फोर के बारे में आपने सुना होगा, ये एक खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है कम्फोर जो इस्तेमाल होता है। अब ये एक बाईसाइक्लिक मोनोटरपीन्स है जिसमें कम्फोर है, ये देखिए ये कम्फोर का वर्ड आ गया ना, कम्फोर है ये एक खुशबू के लिए होता है, ठीक है। और हमारे पास ये अल्फा पाइनिन है, ये बायसाइक्लिक मोनोटरपीन्स में कम्फोर आता है, ये कैम्फेन था और ये कम्फोर है। अब जो है सिस्क्यूटरपिनॉइड की एग्जांपल में, ए साइक्लिक सिस्क्यूटरपिनॉइड में हमारे पास है फार्निसोल है, उसके अलावा जिंजिबेरिन है और हमारे पास कैडेनिन है, तो ये मोनोसाइक्लिक, बायसाइक्लिक और ए साइक्लिक सिस्क्यूटरपिनॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे पास डाइटरपिनॉइड में हमारे पास ए साइक्लिक डाइटरपिनॉइड्स और मोनोसाइक्लिक डाइटरपिनॉइड्स होते हैं, जिसमें फाइटोल एग्जाम्पल है और विटामिन ए एग्जाम्पल है। अब ये सारी जो है एक चार्ट बना हुआ है कि जिसमें सारी जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, सारी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसमें सारी एग्जाम्पल्स ये दोबारा से बताई हुई हैं, तो आप इनमें से कोई भी जो आपको आसानी से याद हो जाए आप उनको याद रख सकते हैं, कोई भी 2-3 एग्जाम्पल्स आप लोग कर सकते हैं। अब हम इसके अक्रंस और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी है टर्पिनॉइड्स की, अब इसकी अक्रेंस और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ पर है, कैसे ये, कहाँ पर ये अकर होती हैं, कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम मोनोटरपीन्स के अक्रेंस की बात करेंगे। दिस कंपाउंड बिलोंग टू दिस क्लास यूजली हैव स्ट्रॉन्ग अरोमा। अब क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है ये बिलोंग, हम कहते हैं बिलोंग टू दिस क्लास यूजली हैव स्ट्रॉन्ग अरोमा, ये उस क्लास से बिलोंग करते हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग अरोमा की बात करते हैं, जैसे कि फोर की बात की थी, एंड अडोर एंड आर यूज इन मैनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और ये बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो डिफरेंट मोनोटरपीन्स हैं वो बेस्ड ऑयल, डिफरेंट मोनोटरपीन बेस्ड ऑयल इज़ यूज एज अ फ्रेगरेंसेज फॉर मेक परफ्यूम्स एंड इन अदर कॉस्मेटिक्स। अब डिफरेंट कॉस्मेटिक्स, डिफरेंट परफ्यूम्स में, क्योंकि उसमें खुशबू जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें मोनोटरपीन्स को हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ मोनोटरपीन जो हैं वो एक्टिव होती हैं बायोलॉजिकली, और वो उनमें स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टेरियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब मोनोटरपीन्स और जो सिस्क्यूटरपीन्स हैं ये क्या हैं कि ये दोनों जो हैं इनमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और ये हायर प्लांट्स में मौजूद होती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं मोनोटरपीन्स की, जहाँ पर ये होती है ये जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में मौजूद होती है, उसके अलावा कुछ और लेमियसी फैमिली के प्लांट में पाई जाती है, एम्बिलीफेरी है, उसके अलावा जो है हम बात करते हैं रुटिकेई की, उसके अलावा मायरटी जो है, उसके अलावा जो है सेंडलेसी जो है हमारे पास प्लांट की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जिंगी बेरे की है, मायरटे की या रुटे की। इसकी फर्दर जो है प्रोनाउंसिएशन उसकी हर कोई एक अलग तरीके से इसको पढ़ता है, ठीक है, तो उसको आपने नहीं देखना, जैसे आपको लगता है कि इसकी किस तरह प्रोनाउंसिएशन हो सकती है तो आप लोग इसको इस तरह याद रख सकते हैं। जैसे इसकी मायरटे किया बोलते हैं, कुछ कुछ मायरटे की बोलते हैं इसको, कुछ जो है रुटे की बोलते हैं। अब हमारे पास सिस्क्यूटरपीन्स की जो है क्या क्लासिफिकेशन है या अक्रेंस क्या है, क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ चुके हैं, अक्रेंस हम देख रहे हैं। तो सिस्क्यूटरपीन जो है ये कहाँ पर होती है, ये इन लेक्टोन रिंग की फॉर्म में होती है, उसके अलावा जो है मोस्ट मैनी ऑफ द लेटेक्स इन लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कंटेनिंग सिस्क्यूटरपीन एंड दीज आर इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी सेक्टिसिडल एजेंट। अच्छा, एंटी इंसेक्टिसिडल एजेंट है, ठीक है, तो इनमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एंटी इंसेक्टिसिडल एजेंट के तौर पर यह काम करती है, और ये जो लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट होती है उसमें ये पाई जाती है। उसके अलावा जो आर्मिटिसिनिन सिस्क्यूटरपीन लेक्टोन वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव कंपाउंड्स इन आर्टिमिसिया एनुअल शूट्स एंड रूट्स, तो इन ये एक प्लांट का नेम है, उसके शूट्स और रूट्स में ये जो है मौजूद होती है। उसके अलावा डायटरपीन जो है ये क्या होता है कि ये फंगल और जितने भी प्लांट ओरिजिन होती हैं जैसे कि रेजिन गमी ऑक्सीडेट्स उनमें पाई जाती है। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे है ना जिनमें वो गम प्रोड्यूस करती हैं, ये कुछ ऐसे हैं कि जिनमें वो एक्सुडेट प्लांट कहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट है जो ड्रॉप उनमें से निकलते हैं, तो ये उनमें जो है ये डाइटरपीन मौजूद होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि यूजली कोअकर मोनो एंड सिस्क्यूटरपीन बट रेयरली विद दी
ट्राइटरपिनॉइड्स, ये मोनो में भी होती है, इसके अलावा सुक्विटरपिन की भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये ट्राइटरपिनॉइड्स में ये रेयर होती है। कॉमनली प्रेजेंट फ्रेजेस एंड ट्रीन्स ऑफ लेग्विनेसी, ब्रिसरेसी, लेमियसी, यूफरबियसी, सोलानेसी एंड मिलियसी, इन सब प्लांट्स में ये पाई जाती है। उसके अलावा सिस्टरपिनॉइड जो है ये रेयरली फाउंड होती है, बहुत कम होती है। उसके अलावा जो है ये फाइटोक्सिक होती है, फाउंड इन प्रोटेक्टिव वैक्सीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंजाए। उसके अलावा ट्राइटरपिनॉइड्स जो हैं लिग्विनेसी, क्यूकर्बिटेसी, मेलियसी, एपोसरेनेसी, मोरेसी, इन प्लांट्स में ये पाई जाती है। उसके अलावा कुछ और प्लांट्स में पाई जाती है जो कि हम कहते हैं फ्री और ग्लाइकोसिडिक फॉर्म में होते हैं, उनमें भी ये पाई जाती है। अब हमारे पास टेट्राटर्पिनॉइड जो हैं जिसको हम कैरोटीनॉइड्स भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं कि ये फाउंड दे आर फाउंड इन द नॉन फोटोसिंथेटिक ऑफ प्लांट्स, टिश्यूज, इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। ड्यू टू इट्स लॉन्ग चेन ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स द कैरोटीनॉइड्स आर कलर्ड येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इसमें क्योंकि हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं कि लॉन्ग चेन होती है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो उनकी वजह से इनका कलर होता है और ये येलो कलर में होती हैं, ऑरेंज और रेड कलर में होती है कैरोटीनॉइड्स, क्योंकि कलर फॉर्म में होती हैं। अकर इन मैनी प्लांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये जैसे कि कैरेट की हम बात करते हैं कलर होती है, स्पिनच की बात करते हैं, या फिर हम फ्रूट्स की, टमाटो सीड्स की बात करते हैं, तो उन सब में ये ज़्यादातर पाई जाती है क्योंकि उसमें कैरेटिनॉइड्स होते हैं। अब टर्पीन्स और टर्पिनॉइड जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स में, रेजिन्स और रेजिन्स कम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन में पाए जाते हैं। ड्रग कंटेनिंग टर्पिनॉइड्स आर नोन एज टर्पिनॉइडल ड्रग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइटोस्टिरोल की। अब फाइटोस्टिरोल हम किसको कहते हैं कि फाइटोस्टिरोल इज़ डिफाइंड एज द कलेक्टिव टर्म ऑफ प्लांट डराइव्ड स्टिरोल्स एंड स्टेनोल्स। अब फाइटोस्टिरोल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें दो हम बात करते हैं कि इसमें दो प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं कि कलेक्टिव टर्म ऑफ प्लांट डराइव्ड स्टिरोल्स भी इसमें इन्वॉल्व है और एक स्टेनोल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक ग्रीक वर्ड फाइटोन से निकला है जिसका मतलब होता है स्टीरियोज, इट्स मीन्स सॉलिड। फाइटोस्टिरोल्स आर टिपिकली प्लांट ओरिजिन एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो ये ह्यूमन बीइंग्स में जो है ये सिंथेसाइज नहीं हो सकता। ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेट इसके, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, ये कहें कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये प्लांट से ओरिजिनेट हुआ है। देयरफॉर देयर सोर्स इन ह्यूमन बीइंग्स ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम डाइट, और ह्यूमन इसको कैसे ले सकते हैं, ये इसको डाइट से ले सकते हैं। द richest natural occurring sources of phytosterols are vegetable oils and their products. तो इसका अगर richest हम देखें इसका natural source कौन सा है, तो vegetable oils है और products हैं उसकी। अब phytosterol के sources की अगर बात करें तो इस ये हमें कहाँ से मिलता है, fat soluble fraction से, seed से, roots, stem, branches, leaves, blossoms वगैरह जो हैं ये इसके sources हैं। कमर्शियली फाइटोस्टिरोल्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कमर्शियली, ठीक है, वो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सोयाबीन, रेप सीड, जैसे कि कैनोला, सनफ्लावर या कॉर्न ऑयल वगैरह से हम इसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और मोस्टली कॉमन जो है ये फाइटोस्टिरोल अगर हम बात करें ह्यूमन डाइट में, वो हम कहते हैं कि बीटा सिटोस्टिरोल, कैम्पेस्ट्रोल और स्टिग्मास्टिरोल से ये ह्यूमंस को मिलता है, मोस्ट कॉमनली अकरिंग फाइटोस्टिरोल इन ह्यूमन डाइट, ठीक है। तो ये इधर से ह्यूमन जो है इसको आसानी से हम कहते हैं कि ह्यूमंस में ये मौजूद हो सकता है, ये ह्यूमंस इसको ले सकते हैं। अब ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, फाइटोस्टिरोल का ये स्ट्रक्चर है, द कंसिस्ट ऑफ स्टीरॉयड स्केलेटन विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 3 एटम ऑफ द ए। अब यहाँ पर फोर रिंग है ए बी सी डी एंड एन एलिफेटिक साइड चेन अटैच टू द कार्बन नंबर 17 एटम ऑफ द डी रिंग, ठीक है। ये कौन चेन है, ये एलिफेटिक चेन है, एलिफेटिक साइड चेन हम इसको कह रहे हैं, और ये कार्बन नंबर 17 पर अटैच होती है डी रिंग पर। स्टीरोल्स हैव अ डबल बॉन्ड टिपिकली बिटवीन C5 एंड C6। अब इसके C5 और C6 पर डबल बॉन्ड होता है, वेयर एज द बॉन्ड इज सैचुरेटेड इन फाइटोस्टेनोल, जबकि ये जो बॉन्ड है ना फाइटोस्टेनोल में हम कहते हैं कि सैचुरेटेड होता है। अब क्लासिफिकेशन की बात की थी तो इसकी दो क्लासेज हैं, एक को हम स्टीरोल और एक को स्टेनोल बोलते हैं। अब स्टीरोल की एग्जाम्पल देखें तो सीटोस्टीरोल है, कैम्पेस्टीरोल है, और ये इनका स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास स्टेनोल में सैचुरेटेड होती है ये, इसमें सीटोस्टिनोल और कैम्पेस्टिनोल, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ये एम ई का डिफरेंस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये एच सी का डिफरेंस आ गया। अब फाइटोस्टिरोल और कोलेस्ट्रॉल में अगर डिफरेंस देखें, ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर कुछ इन्वॉल्व है। तो फाइटोस्टिरोल में क्या होता है कि फाइटोस्टिरोल कोलेस्ट्रॉल में ये डिफरेंस होता है कि फाइटोस्टिरोल जो है वो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ओनली, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है
को सिंथेसाइज करते हैं बाय लिवर एंड इट इज़ आल्सो असेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और फाइटोस्टेरोल जो है हेल्प करता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, जबकि कोलेस्ट्रोल में क्या होता है कि हेल्प इन मेंटेनिंग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी. तो ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी और उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, जबकि फाइटोस्टेरोल आगे हम इसका एक और फंक्शन देख लेते हैं कि ये क्या करता है, हेल्प्स टू लोअर द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन द ब्लड. तो ये जो लिपोप्रोटीन होती है ना LDL, उसको भी ये लो करता है ब्लड में. और जो कोलेस्ट्रोल है क्या करता है, ये बायोसेंसिस करता है स्टीरॉयड हार्मोन की, बाइल एसिड और विटामिन डी की. अगर हम डेली इनटेक की बात करें फाइटोस्टेरोल की, तो तकरीबन डेली इनटेक जो होना चाहिए वो 1 to 2 ग्राम होना चाहिए. और ये बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, बेनिफिट होता है इंसान के लिए. कोलेस्ट्रोल में क्या होता है कि लेस दैन 200 mg थ्रू डायट सिंस बॉडी आल्सो सिंथेसाइज. और ये तकरीबन कोलेस्ट्रोल लेस दैन 200 होना चाहिए, ठीक है. और ये इसका स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रोल का और ये फाइटोस्टेरोल का. अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फाइटोस्टेरोल फ्रॉम फाइटोस्टेरोल. हमारे पास फाइटोस्टेरोल की प्रोडक्शन हो रही है फाइटोस्टेरोल से. तो ये फाइटोस्टेरोल का स्ट्रक्चर और हाई टेम्परेचर पे इसकी यहाँ पर प्रोडक्शन हो गई और यहाँ पर HC आ गया, ठीक है. ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहाँ पर, ये देखिए ये इस कार्बन नंबर पर HC है, यहाँ पर CH आ गया. अब इसके अगर अदर फंक्शंस की बात करें, तो इसके अदर फंक्शंस में ये आता है कि फाइटोस्टेरोल के क्या होता है कि ये इम्यून रेगुलेशन का काम करता है, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. उसके अलावा ये रिड्यूसिंग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, उसको रिड्यूस करता है. उसके अलावा जो ब्लड शुगर होती है उसको रिड्यूस करती है, ब्लड शुगर लेवल और इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको रिड्यूस करने का ये काम करती है. तो ये डिफरेंट इसके फाइटोस्टेरोल के फंक्शंस हैं. तो इसमें हमने डिटेल में जो है आइसोप्रिनोइड, उसके आगे टर्पिनोइड की क्लासिफिकेशन, उसकी अक्रेंस कहाँ होती है और फाइटोस्टेरोल को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है.